मुझे लगता है मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ। क्या पता, रबा भी तेरे जैसा था, एकदम शराबी। देखो मैं शराबी लग रहा हूँ। हम सब ने आई एम कलाम, चिल्लर पार्टी, मकड़ी और स्टैनली का डब्बा जैसी तो मूवी देखी ही है। उसके बावजूद भी हम सब क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी में से बाहर आना ही नहीं चाहते। लेकिन उसके अलावा भी कुछ मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है जो हमें एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत कुछ सीखा जाती है। आज मैं बात करूंगा इंडिया में बनी ऐसी टॉप 10 चाइल्ड मूवी की जिसकी एक्टिंग को देखकर अच्छे अच्छे का दिमाग हिल जाएगा। ये सभी मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये मूवी हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ अच्छा और अलग देखते हैं। नंबर 10 पे है दोस्तों 2018 में आई मूवी होप और हम। ये मूवी की स्टोरी तीन अलग अलग जनरेशन पर चल रही है, ग्रैंडफादर, फादर और सन। तीनों की अलग अलग डेस्टिनेशन है। और बाय द वे मूवी में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको नसरुद्दीन सर की कॉपी मशीन दिलाएगी। ये मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 9 पे है दोस्तों 1999 में बनी मूवी रॉकफोर्ड। ये मूवी की स्टोरी हमारे बचपन और हॉस्टल की याद दिलाएगी। मूवी में एक 13 साल का लड़का, उसका नाम राजेश है, और उसे रॉकफोर्ड बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है। वो पहले बहुत घबराता है, बाद में वो कैसे कैसे धीरे धीरे वहाँ दोस्त बनाता है और बोर्डिंग के एटमोस्फियर में सेट हो जाता है, वो देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 8 पे है दोस्तों 2016 में ये मूवी बुधिया सिंह बॉर्न टू रन। बुधिया, ये नाम आपने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे कम उम्र वाले मैराथन रनर जिसने दुनिया भर से नाम और सम्मान प्राप्त किया था, ये मूवी उन पर आधारित है। उसकी लाइफ स्टोरी और उसके कोच पर लगे हुए आरोप और क्या उसका कोच अच्छा इंसान था या नहीं, ये मूवी आपको सभी सवालों के जवाब देंगी। मूवी में मनोज बाजपेयी ने बुधिया सिंह के कोच का रोल किया है। नंबर 7 पे है दोस्तों 2011 में ये मूवी गट्टू। मूवी की स्टोरी पूरे हमारे बचपन में ले जाएगी। ये मूवी में गट्टू एक लड़का जो अपने विस्तार में उड़ती हुई एक काली रहस्यमय पतंग को हराने के लिए पूरा प्रयास में लग जाता है। वो अपने लक्ष्य पाने के लिए वहाँ के स्कूल में एक छात्र के रूप में काम करता है। हालांकि वो अनपढ़ है, क्या वो उन पतंग को हरा पाएगा, इसके लिए आपको मूवी को देखना ही होगा। नंबर 6 पे है दोस्तों 2018 में ये मूवी छिप्पा। मूवी में छिप्पा यानी कि सनी पवार की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। सनी पवार ने हॉलीवुड मूवी लियोन में भी काम किया है। छिप्पा मूवी ड्रामा कॉमेडी पर आधारित है जिसमें छिप्पा अपने पिता को खोजने के लिए कलकत्ता और भारत की सड़कों पर निकल पड़ता है। हालांकि वो अपने पिता से कभी नहीं मिला। क्या वो अपने पिता को खोज पाता है या नहीं, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। नंबर 5 पे दोस्तों 2005 में आई मूवी द ब्लू अम्ब्रेला। ये मूवी को डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने, जो कुछ अलग ही तरह की मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये मूवी में भी कुछ ऐसा ही है जिसमें एक बिनिया नाम की लड़की को अपने क्षेत्र में आए हुए कुछ जापानी पर्यटकों ने एक ब्लू अम्ब्रेला गिफ्ट की है और उसी वजह से ये लड़की पूरे गाँव में फेमस हो जाती है। वो अम्ब्रेला को पाने के लिए एक दुकानदार उसके पीछे पड़ा होता है और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ती है। नंबर 4 पे है दोस्तों 2012 में ये मूवी जलपरी द डेजर्ट मेरमेड। नीला मधा पांडा ये मूवी का डायरेक्टर है जिसने आई एम कलाम, कड़वी हवा और हल्का जैसी जबरदस्त मूवी डायरेक्ट की है। और ये मूवी भी सबसे अलग और शानदार है जिसमें श्रेया नाम की लड़की जो अपने नेटिव विलेज का दौरा करती है और वहाँ देखती है कि गाँव में कई रहस्य है और उसे जांच करने के लिए वो अपने भाई के साथ एक खोज पर निकल पड़ती है। नंबर 3 पे दोस्तों 2018 में आई मूवी मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। मूवी में एक 8 साल का लड़का जिसकी माँ का एक रात रेप होता है और वो अपने माँ के साथ हुए इन अपराध का न्याय पाने के लिए अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और उसके बाद वह अपने दो दोस्त के साथ मुंबई से दिल्ली की यात्रा पर निकल पड़ता है। मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मूवी आप जरूर देखना। नंबर 2 पे दोस्तों 2015 में आई मूवी तनक। ये मूवी मेरी सबसे फेवरेट चिल्ड्रंस मूवी है। मूवी में दो भाई बहन जिसमें भाई देख नहीं सकता है, एक बार वो शाहरुख खान का पोस्टर देखते हैं और वो नेत्रदान को बढ़ावा कर रहे होते हैं। बस अब परी जो अपने भाई के इलाज के लिए शाहरुख खान से मिलने को ठान लेती है और वो राजस्थान में जहाँ शाहरुख खान की शूटिंग चल रही होती है उसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों 2018 में आई मूवी हल्का। मूवी बेस्ड है फैमिली ड्रामा पे। मूवी में एक लड़का जो दिल्ली की एक झुपड़पट्टी में रह रहा है और वह वहां के लोगों की टॉयलेट के प्रति जागरूकता न होने से परेशान है
वो अपना टॉयलेट बनाने के लिए वहाँ की भ्रष्ट सरकार से लड़ता है और टॉयलेट बनाने के लिए पैसों को एकत्रित करता है। मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हॉलीवुड बॉलीवुड साउथ और गुजराती सबसे बढ़िया और अलग मूवी को लेकर हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।